ओके जी, चैप्टर नंबर 68 तक कर लिया था और आज चैप्टर नंबर 69 to 75, ऑब्जेक्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड प्रोटोटाइप्स। ऑब्जेक्ट आपका एरे आपकी ऐसे बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, और अब यूजर्स के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी, एक यूजर आएगा, ठीक है। तो लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इस तरह बनेगा आपका, लेकिन ये ऊपर कहीं या नीचे यूज हो रहा है, बार सिर्फ दिखाने के लिए। यूजर्स में आपका एक यूजर जा रहा होगा, आपने क्या करना है, यूजर्स डॉट पुश, इसके अंदर आप क्या भेजेंगे, नेम नहीं, यूजर्स, यूजर जाएगा ना, यूजर्स के अंदर आपका यूजर जाएगा। तो इस तरह आपके पास वन बाय वन करके यूजर्स बनते रहते हैं। नहीं नहीं बस दिखाने के लिए था कि ऑब्जेक्ट, आपको अब सही पता लगेगा कि एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती किस तरह है। हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके जितने भी एलिमेंट है ना, लेट सपोज आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, एडमिशन फॉर्म में आपके कितने ही इनपुट फील्ड्स थी, ठीक है। अगर आप नादरा में चले जाएं, नादरा में आपकी कितनी फील्ड्स होती हैं, ठीक है। इस तरह ही आपका वो एक फॉर्म जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, और वो ऑब्जेक्ट आपका कहीं एक एरे में स्टोर हो रहा होता है। तो वो होता कैसे है, जब आप बटन पर क्लिक करते रहिए ऐड यूजर, यूजर को ऐड करेंगे, ये यूजर्स के एरे में स्टोर होता जाएगा वन बाय वन करके। तो ऐड यूजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फंक्शन कॉल हो गया ऑन क्लिक पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, आप इसको गेट कर सकते हैं सारी चीजों को वन बाय वन करके डॉट वैल्यू की मदद से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसकी आईडी पास की डॉट वैल्यू की मदद से वैल्यू आती जाएगी, वैल्यूज आती जाएंगी, आप उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करते जाएंगे। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल है, शो इमेज, आपके पास इमेज आती है, ये मॉडल यूज करना आता है, ये वाला मॉडल, इसको मॉडल कहा जाता है। आपने बटन पर क्लिक किया, उसके ऊपर एक और एलिमेंट आ गया इस तरह, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं, ये बूटस्ट्रैप का ही है, बूटस्ट्रैप, डॉक्स, कंपोनेंट्स में जाके आपके पास मॉडल। बूटस्ट्रैप में ना बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप लोगों ने अभी तक देखा है इसको, हमने बूटस्ट्रैप जितनी हमने पढ़नी थी उतनी तो पढ़ी है, बाकी तो आप लोगों ने खुद करना है ना, तो इसको पढ़िएगा मॉडल, ये मॉडल आपके पास, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह ये मॉडल आ जाता है। अगर आप इसको वर्टिकली सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो वर्टिकली सेंटर, ये वर्टिकली सेंटर्ड मॉडल क्लिक करें तो आपके पास ये वर्टिकली सेंटर्ड स्क्रोल एबल मॉडल, तो ये आपका स्क्रोल एबल होता। एक्चुअल में हमारे पास स्क्रीन साइज, ये आपके पास ये स्क्रोल एबल हो गया। तो इसका कोड सिंपल, सारी चीजें वही जो ऊपर हमें बेसिक में मिलती, सिर्फ सिर्फ डिव क्लास मॉडल डायलॉग, जिस एलिमेंट को मॉडल डायलॉग मिला होगा, ये मॉडल डायलॉग हर किसी को मिलता है, उसमें ही आपने एक और क्लास को ऐड कर देना है, मॉडल डायलॉग सेंटर। तो ऊपर जाए, ये इसका कोड है सारा, इसको कॉपी करेंगे अपने कोड में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लाइक हेडर के फौरन बाद आपने एक डिव कोड को कॉपी पेस्ट किया, इसमें आपके पास, अच्छा जी इसको हमने करना है, इसे नहीं करना, इसको जिस पे बटन के क्लिक करने पे मॉडल है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, ये आपके पास बटन और ये आपका मॉडल। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे ये मॉडल नजर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें लॉन्च डेमो मॉडल आ रहा है,
इस पर क्लिक किया तो आपको वो मॉडल नज़र आ गया। मॉडल का टाइटल, ये आपको मॉडल टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा। मॉडल बॉडी, जो आप बॉडी में दिखाना चाहते हैं कोई भी चीज़ आ जाए। अक्सर आपके वो लॉगिन फॉर्म वगैरह होते हैं वेबसाइट पे, क्लिक किया वो कहता है कि लॉगिन कर लो, ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया, आप इसमें दे सकते हैं। अब नीचे फुटर में दो बटन आ गए उसके, क्लोज और सेव चेंजेस के, ठीक है जी। तो अच्छा, मॉडल का जो है ना कोड, इस मॉडल का कोड, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट नज़र नहीं आता, क्लिक करने पर नज़र आता है, और पोजिशन इसकी होती है एब्सोल्यूट। तो आपने क्या करना है, इस कोड को हमेशा फुटर के बाद लिखना है, ठीक है। तो इससे आपकी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये चीज़ होगी आपकी बटन। अब यहाँ पे जो यहाँ पर आप बटन यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या किया, उसी बटन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये देखें बटन, ये बटन आपका, ये मॉडल को टारगेट कर रहा है, मॉडल की आईडी क्या है, जो ओपन हो उसको आईडी दी गई है, और ये क्लास किसकी है, बटन की, ठीक है। बटन और बटन आपका पेजर रेड कलर का हो गया। इस बटन के क्लिक करने पे टारगेट किसको करो, मॉडल को करो, जो बीएस टॉगल होगा और ये वाला मॉडल हो, तो आप इसकी मदद से ये कर सकते हैं। ओके जी, शो इमेज, तो आपके पास होस्टिंग प्लान्स वो टाइटल आ गया, उसके अंदर एक इमेज आ गई, और ये आपके पास क्लोज का बटन आ गया। क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब उसके अंदर इमेज, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट, वेबसाइट में देखा होगा होस्टिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिक, प्रोफेशनल, अल्टीमेट। अब बेसिक ऐसा तो नहीं होता कि बेसिक मंथली, बेसिक डिस्क स्पेस, बेसिक डाटा ट्रांसफर, बेसिक साइट पेजेस, बेसिक डिस्काउंट मंथ, और फिर प्रोफेशनल में भी बेसिक प्रोफेशनल, सॉरी प्रोफेशनल मंथली, प्रोफेशनल डिस्क स्पेस, अलग अलग वेरिएबल नहीं बनते। तो आपका एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, और एक एलिमेंट ये हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। अब इन तीनों को आपने किसी एक जगह स्टोर करवाना है, तो वो कौन सी डाटा टाइप हो जाएगी, एरे हो जाएगी, ठीक है। होस्टिंग प्लान्स के नाम से एक एरे, एरे के अंदर तीन ऑब्जेक्ट आ गए, और उस ऑब्जेक्ट को वन बाय वन करके आप गेट कर सकते होंगे। बेसिक डॉट मंथली लिखेंगे तो ये प्राइस आ जाएगी, प्रोफेशनल डॉट मंथली लिखेंगे तो ये प्राइस, अल्टीमेट डॉट मंथली लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास स्क्रिप्ट, अच्छा जी, शो टेबल करें, देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल, अभी तक कोई यूजर नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं अली हसन, ठीक है जी। ईमेल आपकी लेट्स सपोज अली हसन एट जीमेल डॉट कॉम। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी, लेट्स सपोज 01/01/2000 हमने कर दिया। ऐड यूजर करें तो ये यूजर, फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम हसन, ईमेल अली हसन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और एज कितनी बनती है 22। हमने एज को नहीं बताया, हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड की, ऑटोमेटिकली उसने एज को कैलकुलेट किया जावास्क्रिप्ट की मदद से। अलग अलग किया ना फर्स्ट नेम जी, ये करड़ पूरा नहीं है, सिर्फ क्रिएट और रीड है, सी और आर है, यू डी नहीं है। करड क्या होता है, करड आप लोग इसके बाद सीखेंगे, करड का वैसे आप लोग को नहीं पता किसी को, आप लोग करड ऑपरेशन कहलाता है। कोई भी वेबसाइट बना ले, बड़ी सी प्रोफेशनल वेबसाइट, उसमें करड ऑपरेशन लास्ट में होता है, सी से होता है क्रिएट। जिस तरह हम ये ऐड यूजर कर रहे हैं, ये क्रिएट हो रहा है। आर होता है रीड, यहाँ पे हम इसको रीड कर रहे हैं। अब इसी एलिमेंट को जिसको आपने क्रिएट किया है, यू होता है आपका अपडेट, डी आपका होता है डिलीट। मींस के आपने एक एलिमेंट को क्रिएट किया, आपने उसको रीड किया, रीड करने के बाद आप उसको अपडेट कर सकते होंगे। मींस के अली हसन हमने लिखा, या डेट ऑफ बर्थ हमसे गलती से वो खराब हो गई, तो आप उसको अपडेट करना चाहें तो कर सकते होंगे। अगर उस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो
कर सकते होंगे, तो ये आपका क्रड ऑपरेशन कहलाता है पूरा। ओके जी, ये आपकी चीजें हो गई। शो टेबल में आपको ये शो टेबल नजर आ जाएगा, प्रिंट यूजर्स इन कंसोल, इस पर क्लिक करें। हमने खुद ओपन किया है F12 से, मैंने F12 प्रेस किया। अच्छा जी, ये काम नहीं कर रहा। प्रिंट यूजर्स अच्छा जी, जब आप लोगों ने अब फॉर्म पे काम करना है, जाहिर सी बात, अब देखें हमने पेज को रिफ्रेश किया, डाटा चला गया, अब दोबारा से हमें लिखने में टाइम लगेगा। यही आपके पास कोई 100 फील्ड हो तो आप 100 बार लिखेंगे, ठीक है। इस चीज से बचने के लिए आपके पास राइट क्लिक, मोर टूल्स, एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस में जाएं और यहाँ पे जाके ओपन क्रोम वेब स्टोर, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये क्रोम का स्टोर आ जाएगा जिसमें आपको एक्सटेंशंस मिल रही होती है। इसमें जाके आप लोग लिखें फेक फिलर, एंटर करें तो आपको ये फेक फिलर मिल जाएगा और ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, वरना आपका इंस्टॉल क्रोम आता या ऐड टू क्रोम आता। इसको ऐड कर लें, उसके बाद पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें अगर जरूरत पड़े तो। राइट क्लिक करें, यहाँ पे देखें फिल ऑल इनपुट्स है, इस पर जैसे क्लिक करें तो आपको ये एक डमी डाटा दे देता है और ये डमी डाटा आपका आता है किस तरह, उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली। इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट है, अब वो उसको देख रहा है कि उसमें आगे वैल्यूज कौन सी है, आईडी उसको क्या दी गई है या नेम क्या दिया गया है। फर्स्ट नेम है, उसने फर्स्ट नेम कर दिया, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आ गया, ईमेल की जगह उसने ईमेल दे दिया और डेट ऑफ बर्थ में उसने डेट ऑफ बर्थ, अगर इनपुट टाइप नंबर होती तो वो नंबर को ऐड करता, ठीक है जी। स्कैन कर रहे, हमने उसको एक्सेस दे दिया। ऐड यूजर करें, यूजर ऐड हो गया, 7/7/1975 उसकी एज बन रही है 47। आपके पास कुछ नहीं, प्रिंट यूजर्स इन कंसोल, तो आपके पास ये यूजर आ रहे हैं। हमने इसमें कितनी इनपुट फील्ड ली, 4 है, लेकिन यूजर में देखें कौन कौन सी चीजें आ रही है आपके पास। यूजर से हम फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। डेट क्रिएटेड हमने नहीं लिया। आप जब भी किसी एक एलिमेंट को क्रिएट करें, वो एलिमेंट क्रिएट कब हुआ है आप वो लाजमी बताते हैं कि ये क्रिएट कब हुआ, डेट क्रिएटेड आ जाता है। ये मिली सेकेंड है इन, वो न्यू डेट डॉट गेट टाइम करें तो ये वैल्यू आ गया आपके पास। उसके बाद आईडी, हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक आईडी आप लाजमी देते हैं क्योंकि जब आप अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो आपका इस आईडी के बेस पर काम होता है। या फिर अक्सर आप लोगों ने यहाँ पे सीरा की वेबसाइट पे गए और और ऑलरेडी अप्लाइड क्लिक किया, आपने देखे यहाँ पे CNAC को ऐड किया, CNAC और यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स आ गया, ठीक है जी। उस कोर्स को आपने सिलेक्ट किया, शो एप्लीकेशन फॉर्म करें तो आपका ही आएगा, जो CNAC और कोर्स सिलेक्ट किया होगा उसको वो देखते हैं, सर्च करता है पूरी एरे में और जो फॉर्म मिल जाता है उसको दिखा देता है। तो फिर ये चीज़ें आपकी आईडी भी, उसी तरह अगर आप आईडी को लिख दें तो वो उस एलिमेंट को ही लेकर आएगा जिसकी आईडी होगी। उसके बाद रोल, इसका जब आप बड़ी वेबसाइट बनाते हैं उसमें आप देखते हैं कि रोल एक ही वेबसाइट है, या फेसबुक की एग्जांपल ले ली जाए या गूगल की एग्जांपल ले ली जाए, एडमिन होता है, या फिर स्कूल की वेबसाइट में LMS, एक ही वेबसाइट है, उस टीचर भी उसी में है, पेरेंट भी उसी में है, स्टूडेंट भी उसी में है, लाइब्रेरियन भी उसी में है, तो वो आपका फिर रोल बेस्ड काम होता है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हुए वो देखता है कि इसका रोल क्या है, ईमेल पासवर्ड से उसने गेट किया, उसके बाद रोल क्या है, रोल की बेस पर वो उसको
उसके पोर्टल या फिर डैशबोर्ड पे लेके जाता है। उसके बाद इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, डिलीटेड है। एक्टिव है तो वो काम कर रहा है, आप चाहते हैं कि इस यूजर को इनएक्टिव कर दिया जाए। लाइक कहीं पर या होस्टिंग की बात कर ली जाए, होस्टिंग की सर्विस परचेज की हुई है, उसने ईयरली बिल पे नहीं किया, तो आपने क्या करना है, उसका डाटा तो नहीं डिलीट करना क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ आपका वो एक्टिव कर पे कर देगा, तो एक मंथ के लिए वो इनएक्टिव होना चाहता है, आप उसका स्टेटस इनएक्टिव कर देंगे। या जिस तरह ये नेट कनेक्शन वगैरह होते हैं, जिस तरह स्टॉर्म फाइबर एयरटेल, एक मंथ का बिल पे किया, नेक्स्ट मंथ आप कहते हैं कि मैंने इस मंथ इसको यूज़ नहीं करना है, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो सिस्टम उसको क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है ताकि वो नेट ना यूज़ कर सके और बिल भी उसका जनरेट नहीं होगा फिर। तो इस बेस पर फिर कंडीशन लगती है। तो ये कुछ, ये भी बहुत अभी मिनिमल डाटा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो वक्त के साथ साथ आएंगी आपके पास। तो अब इसका कोड देखते हैं। खुलेगा नहीं, सिर्फ दिखाएगा। प्रिंट यूजर इन कंसोल में आप इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंसोल में जाएंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा। हो सकता होगा जावास्क्रिप्ट की मदद से अपन डेवलपर टूल्स क्रोम, क्रोम ओपन डेवलपर टूल्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यस यू कैन और नॉट, seem unlikely that this is possible or will ever become possible. Check this. तो Google ने शायद कुछ बताया है। We only allow express dev tools opening. Chrome.experimental.webinspector. तो उम्मीद है ओपन होता होगा। अरे एक सेपरेट चीज़, इसको बाद में भी देखेंगे। अभी आपके पास, आप जैसे इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं एड यूजर पे, आपका हैंडल सबमिट चल रहा है, और हैंडल सबमिट जैसे चलेगा उसके फौरन बाद आपका क्या चल रहा है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है क्या, जिसकी वजह से, जिसको ये रोक रहा है, हमने ये किया वह जी ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या करते हैं, नहीं डिफॉल्ट बिहेवियर है क्या उसका, एक और चीज करता है जिसको हम रोक रहे हैं, पेज रिफ्रेश। वो पेज रिफ्रेश कर देते हैं, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होगा, पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें फॉर्म यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखें फॉर्म और एक एट्रीब्यूट ऑन सबमिट, और उस ऑन सबमिट पे आप उस फंक्शन को चला रहे हैं कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो तो आपका हैंडल सबमिट काम करे, और हैंडल सबमिट में सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, उसके डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसको वो इससे रोक रहा है। अब लेट फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, गेट फील्ड वैल्यू, आपने उसमें आईडी पास किया और आपको उसकी वैल्यू मिल गई। फंक्शन बनाना आते जी, ये ऊपर है, आप उसमें आईडी पास करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसकी आईडी की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, रिस्टोर किस में हो जाएगी, गेट फील्ड वैल्यू में। गेट फील्ड वैल्यू में जब होगी तो इतने कोड की मदद से फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर किस में हो जाएगी, फर्स्ट नेम में। उसी तरह लास्ट नेम की लास्ट नेम में ईमेल, ईमेल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आएगी। फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग की और एंडिंग की स्पेस जो होती है उसको रिमूव करेगा और स्टोर हो जाएगा दोबारा फर्स्ट नेम में। उसी तरह लास्ट नेम में हो जाएगा और ईमेल ईमेल में हो जाएगी। अब उसको हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर फर्स्ट नेम की लेंथ छोटी है 3 से, क्योंकि 3 करेक्टर से कम कोई आपका नेम बनता नहीं है, 3 करेक्टर का अली, उससे कम का तो कोई भी नहीं है, तो
अगर काम में तो फिर क्या करो, शो नोटिफिकेशन, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्टली, और उसकी टाइप क्या बता दी हमने, एरर, मीन्स के वो आपको डेंजर नजर आ जाएगा, ठीक है, और यहां से रिटर्न कर दो। उसके बाद इफ ईमेल फॉर्मेट डॉट टेस्ट ईमेल, ये हमने किया हुआ टेस्ट मेथड नहीं किया, यहां पर आए आप लेट ईमेल इक्वल टू एबीसी, इस चीज को देखिएगा जरूर, और कंसोल डॉट लॉग, आप ईमेल को चेक कर सकते हैं कि क्या ईमेल ये ठीक है या नहीं है। इसमें आपका आ जाएगा फॉर्मेट, इसका ये फॉर्मेट बस चेक करेगा, ईमेल फॉर्मेट टेस्ट करो। अब ये ईमेल फॉर्मेट आपका क्या है, ये आपको कहीं ऊपर नजर आ रहा होगा, ये आपका ईमेल फॉर्मेट, ठीक है, इसको रिजेक्ट कहा जाता है, ईमेल रिजेक्ट, ठीक है, ये आपको उसमें से मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है, और यही फॉर्मेट यूज किया जाता है, इसे चेक किया जाता है कि हमारी ईमेल जो है 100% करेक्ट है या नहीं है। आप लोग इसको कॉपी कर लें बेशक, और ये आपका ईमेल फॉर्मेट आ गया, ठीक है जी, डॉट टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर आप लोग ईमेल को पास कर दोगे, टेस्ट ये चेक करता है, इस फॉर्मेट को चेक करेगा, इस फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट को आप टेस्ट कर सकते हैं, हमने ईमेल को चेक करना है तो ये आपकी ईमेल, तो आप यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट, लेट ईमेल फॉर्मेट बंद कर दे इक्वल टू, ये चीज आ गया आपकी सेम वही चीज, तो आप इस कोड की जगह ईमेल फॉर्मेट वन, ठीक है जी, ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो, इस ईमेल को, तो क्या ये ईमेल है, नहीं है, सेव करें तो आपको क्या रिटर्न कर रहे हैं, फॉल्स, बल्कि अब यहां पे ही डायरेक्ट एबीसी, तो ये आपका फॉल्स एबीसी एट का ये करेक्ट है, हाँ जी, नींद आ रही है लग तो रहे, ओके जी, एट द रेट फॉल्स, जीमेल अभी भी करेक्ट नहीं है, फॉल्स डॉट अभी भी फॉल्स, सी करें तो अभी भी फॉल्स, क्योंकि डोमेन आपकी एक करेक्टर की नहीं होती है, कम से कम दो, अगर डॉट को करें तो ये वैलिड है, अब सेव करें तो ये आपको ट्रू कर रहे हैं। नंबर कौन सा लाजमी कब है, बनती है या नहीं बनती है, ना ईमेल तो है ना, ये ईमेल तो ये वैलिड है ना, अगर तो ये टेस्ट में पास हो जाए तो फिर क्या करेगा, ट्रू, अगर फेल हो जाए तो फॉल्स आ जाएगा, मीन्स कि अगर ईमेल ठीक है तो ट्रू, अगर ईमेल ठीक नहीं है तो फॉल्स, इसको वो एक सेपरेट चीज है, अभी सिर्फ हम ईमेल को फॉर्मेट चेक करेंगे, ये नहीं करेगा, वो बाद में हम चेक करते हैं डेटाबेस से, वो बाद में रहेगा आपका। अच्छा जी, इतने कोड की मदद से अगर ये ठीक है तो आपको इसकी ये चेक कर रहे हैं ना, इसमें इस फॉर्मेट की मदद से चेक हो रहा है कि क्या है हमारी ईमेल ठीक है या नहीं है। अच्छा जी, अगर ये पास हो जाता है तो ट्रू, इसका मतलब कि हमारे पास ईमेल जो है वो ठीक आ गई है। अगर आप यहां पर इफ ट्रू कर दें तो उसके अंदर का कोड चलेगा, ठीक है, और ये ट्रू आपके पास कब आ रहा है, जब ईमेल ठीक है, लेकिन हमने एरर कब दिखाना है, जब ईमेल फॉल्स हो, तो जब ईमेल पास नहीं हो रही है तो ये आपको फॉल्स दे रहा है। मैं आगे दिखाता हूँ, अभी समझा रहा हूँ, अगर फॉल्स है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, नहीं चलेगा। इस फॉल्स से पहले आप नॉट ऑपरेटर लगा दें, फॉल्स नहीं है इसका मतलब ट्रू, और ट्रू नहीं है इसका मतलब फॉल्स है,
जी भाई, ध्यान आपका किधर है? ओके जी, आपका ईमेल फॉर्मेट वही वाला डॉट टेस्ट है, इसमें ईमेल जो यूजर ने ईमेल को दिया, अब वो चेक कर रहे हैं, अगर तो ईमेल ठीक है तो यहां पर आपका अगर ठीक है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अगर ट्रू नहीं है तो फिर आपका फॉल्स, फॉल्स ये तब आएगा जब ये ईमेल ठीक नहीं है, ठीक है, फॉल्स नहीं है, पीछे आपने लगा दिया नॉट ऑपरेटर, तो अब वो आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देगा, आप नॉट ऑपरेटर खत्म करें फिलहाल, यूजर ने ईमेल एंटर किया और वो हो गया ईमेल वो बैडली फॉर्मेटेड है, मीन्स के ईमेल ठीक नहीं है, तो आपको वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है, ईमेल पास नहीं हुई, अगर फॉल्स हो गया तो फिर ये आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन हमने तो दिखाना है ना, हमें तो नोटिफिकेशन ही तब चाहिए जब वो उसने ईमेल को गलत लिखा है, तो फिर इस फॉल से पहले आप नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, अब ये ठीक है, अगर यूजर ईमेल ठीक दे देता है तो इसका मतलब ट्रू है, और ट्रू आपका फिर हमेशा चलेगा, मतलब कि ट्रू पे हमारी वो स्टेटमेंट चलती है, फॉल्स पे नहीं चलती, हाँ जी, तो हमें नॉट फॉल्स ट्रू, उसको हम ट्रू में कन्वर्ट करेंगे, फॉल्स ट्रू में हो जाएगा, ट्रू फॉल्स बन जाएगा, तो ये आपका नॉट ऑपरेटर लगेगा, तो ये चीज थी आपकी, एक बार ही होगा, मीन्स के जब जब आपने इस फंक्शन को चलाया और अगर ईमेल ठीक नहीं है तो वो हमेशा रिटर्न करेगा, जब ईमेल ठीक हो जाएगी और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, जी अगर तो फर्स्ट नेम ही है वो लेंथ कम देता है तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वो ईमेल को भी चेक नहीं करेगा, ईमेल अगर बैडली फॉर्मेटेड है तो फिर वो यहाँ से रिटर्न करेगा, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर अब यहाँ से रिटर्न करेगा, इफ डीओबी नहीं है तो ये चीज़ आप कर दो, हमने इसको खुद बनाया हुआ है ना, शो नोटिफिकेशन हमने देखा था, उसके अंदर हम टोस्टिफाई को यूज कर रहे हैं, ओके जी, लेट यूजर, आपने एक यूजर को बनाया और यूजर एक ऑब्जेक्ट है, लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ओके जी, हमने एक यूजर और ऑब्जेक्ट, इस यूजर के अंदर हमने लेना फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम की वैल्यू, आपके पास ये फर्स्ट नेम है तो आपने इसको कर दिया फर्स्ट नेम, सेकंड प्रॉपर्टी कॉमा, आपके पास लास्ट नेम की वैल्यू लास्ट नेम, और थर्ड आपके पास ईमेल, ईमेल की वैल्यू मेल में है, इसी तरह डीओबी, डीओबी में ये आपका प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू, यहां तक आप कंसोल डॉट लॉग करें यूजर, यहां से रिटर्न करते हैं, ओके जी, यूजर में फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल में ईमेल, डीओबी में डीओबी, ये रहेगा आप जाके कर लें, ओके, अब प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू अगर सेम हो तो जावास्क्रिप्ट हमें ये फायदा दे रहा है कि आप कोड को मजीद शॉर्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दें तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को गेट करेगा, ऊपर कहीं फर्स्ट नेम वेरिएबल बना होगा लास्ट नेम पे, तो इस तरह आपका कोड मजीद शॉर्ट हो जाता है इसी फंक्शन के अंदर, जी
इसी में ये देखिए ऊपर है ना आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये अगर आप चाहते हैं कि डीओबी की बजाय डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह आएगी फिर ये प्रॉपर्टी नेम और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आप डीओबी रखना चाहते हैं तो सिर्फ डीओबी कर दें तो ये काम करेगा। उसके बाद आपके पास यूजर डॉट आई डी ये एक यूजर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप क्या कर सकते हैं यूजर डॉट डॉट की मदद से वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। अगर आपने मजीद कुछ ऐड करना है लाइक यूजर डॉट सिटी, यूजर का सिटी क्या है इक्वल टू फैसलाबाद, तो इस यूजर में हमने खुद से फैसलाबाद ऐड कर दिया, वो फिर एक इनपुट फील्ड ही आ जाएगी तो आप ले सकते होंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी हो इस यूजर की तो उसके लिए आपके पास डिलीट यूजर डॉट ईमेल, तो इससे क्या होगा इस यूजर में से ईमेल डिलीट हो जाएगी सिर्फ वैल्यू डाटा है ना, सिर्फ फिल ऑल इनपुट्स करें ऐड यूजर तो आपके पास यूजर्स आई कैलकुलेटर चलिए, तो ये आपके पास देखें अब इसमें ईमेल नहीं है ठीक है क्योंकि ईमेल को हमने डिलीट किया और सिटी आपके पास फैसलाबाद आ रहा है। तो इस तरह फिर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब जिस तरह हमने फैसलाबाद को ऐड किया उसी तरह यूजर डॉट आई डी यूजर की आई डी गेट रैंडम आई डी मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर आप लोग इसको करें ऊपर है लेट आई डी इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम कंसोल डॉट लॉग आई डी सेव करें एक रैंडम आई डी इस रैंडम आई डी ये भी आपके पास नंबर है डॉट टू स्ट्रिंग कर दें सेव करें तो प्रॉपर्टी टू स्ट्रिंग अच्छा ये टू स्ट्रिंग ऊपर आएगा डॉट टू स्ट्रिंग इसको करें तो आपके पास देखें वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ठीक है पहले नंबर था और अब ये डाटा टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी। इसमें आप पास कर दें 36 बेस है मीन्स के 0 टू 9 भी आ जाए और A टू Z भी आ जाए A टू Z आपका 26 हो गया 0 टू 9 आपका 10 हो गया टोटल 36। अब इसको सेव करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह का आएगा मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग उस टू स्ट्रिंग के अंदर 36 आ गया। अब हमें चाहिए पहली दो वैल्यू के अलावा बाकी सारी तो हम किस तरह करेंगे डॉट स्लाइस स्लाइस के अंदर आपके पास इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन हमें चाहिए टू से तो आप टू पास करेंगे तो वो इंडेक्स टू से वैल्यू लेगा तो अब देखें आपके पास जीरो डॉट खत्म हो गया। आप जितनी बार भी रिफ्रेश करें एक न्यू आईडी जनरेट हो रही है आपके पास तो फिर इस तरीके की मदद से आप एक रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हैं। ऊपर भी देखें कहीं पे गेट रैंडम आई डी मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग 36 डॉट स्लाइस टू इसी को रिटर्न कर रहे हैं जो भी वैल्यू बनेगी गेट रैंडम आई डी बनेगी। तो ये चीज आपके पास अब गेट रैंडम आई डी यूजर डॉट डेट क्रिएटेड ये यूजर क्रिएट कब हुआ न्यू डेट एक लिया और डॉट गेट टाइम जो भी टाइम होगा वो मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा। यूजर डॉट स्टेटस यूजर का स्टेटस क्या है एक्टिव है यूजर का रोल क्या है स्टूडेंट है तो ये सारी वैल्यू आपके पास यूजर में आ गई। उसके बाद यूजर्स में क्या करो पुश कर दो और पुश क्या करो यूजर कर दो। उसके बाद शो नोटिफिकेशन अ न्यू यूजर हैज बीन सक्सेसफुली एडिट और आपके पास सक्सेस है और शो टेबल की मदद से आपके पास
ये टेबल शो हो रहा था। नीचे जाके शो टेबल आपका एक फंक्शन चल रहा है। इस फंक्शन में क्या आ रहा है, हम ये नमाज के बाद देखते हैं। ये टेबल यहाँ पे जो आ रहा था आपके पास, जी जिसमें आपका नाम आ रहा था, फिल ऑल इनपुट्स, एड यूजर कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा यहाँ पे कंसोल, फिल ऑल इनपुट्स यहाँ के पास यूजर, ठीक है। इसके बाद नमाज की बात करते हैं। ओके जी, यूजर डॉट आई डी, ये सारी चीजें होगी आपकी, यूजर डॉट पुश पुश हो गया, उसके बाद शो टेबल। जैसे ही आपका वो फंक्शन कंप्लीट हुआ, इस पॉइंट पर पहुंचा तो शो टेबल। अब शो टेबल में क्या हो रहा है, अगर यूजर्स की लेंथ है नहीं है तो फिर क्या कहो, देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर अवेलेबल, एरर, रिटर्न कर दो। लेट टेबल स्टार्टिंग कोड, आपके बूटस्ट्रैप का टेबल, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिव टेबल है ये, स्टार्टिंग कोड ये और उसका हेड ये, जिसमें आपको ये चीज नजर आ रही है, नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एज। आपका रैंडम जो डाटा है, जो यूनिक डाटा है, वो उसके नीचे रो बन रही है, बाकी सारा कोड तो सेम ही है। तो आपका ये स्टैटिक कोड आ गया, टेबल हेड भी स्टैटिक आ गया। टेबल एंडिंग कोड, एंडिंग कोड में आपका टेबल एलिमेंट है और डिव एलिमेंट है, वो क्लोज हो जाएगा। टेबल बॉडी इस टाइम क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, लूप चल रही है, लेट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, टेबल बॉडी प्लस इक्वल, पुराना कोड और न्यू कोड ऐड होता जाए, एक रो बन रही है, टी एच में आई प्लस वन, जीरो प्लस वन किया तो आपके पास ये जीरो प्लस वन आपका वन हो गया। फर्स्ट नेम यूजर्स आई डॉट, फर्स्ट नेम यूजर जीरो, अच्छा यूजर जीरो आ रहा है तो यहाँ पे बेसिकली आपका आई, ताकि सारे, अगर यूजर जीरो होता तो फिर क्या होता, सिर्फ एक ही लास्ट नेम आपका इंडेक्स जीरो वाले का था। उसके बाद यूजर्स आई डॉट ईमेल, यूजर्स आई डॉट डेट ऑफ बर्थ और यूजर्स आई डॉट कैलकुलेट एज। अच्छा उस यूजर में यहाँ पे देखें, हमने ना तो यहाँ पर आपने कोई कैलकुलेट एज यहाँ पे यूज किया और ना ही यहाँ कहीं यूज किया, ठीक है। तो ये कैलकुलेट एज कहाँ से आ रहा है, बूटस्ट्रैप में नहीं है, इसको कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप, आपका कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप जो है, ऑब्जेक्ट्स आपके बन गए, प्रॉपर्टीज, मेथड्स है। इसमें क्या होता है, आप सिंपल फंक्शन बना रहे हैं तो आपका फंक्शन कहलाता है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन बना रहे हैं वो मेथड कहलाता है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रिंग डॉट स्लाइस है, स्लाइस क्या है, मेथड है, डॉट आ गया ना, डॉट का मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जैसे ही फंक्शन है वो आपका मेथड कहलाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स एंड प्रोटोटाइप्स, अब ये टॉपिक आपका वो आ जाएगा। अच्छा टेबल बॉडी वन बाय वन करके आ रहे हैं, टेबल में टेबल का स्टार्टिंग कोड ऐड हो गया, टेबल हेड, टी बॉडी, टेबल बॉडी जो आपका रैंडम डाटा आ रहा है, उसके बाद टी बॉडी खत्म हुआ और टेबल एंडिंग कोड आ गया, मीन्स कि ये HTML है सिंपल, ठीक है। वो टेबल में सारा डाटा स्टोर हो गया, कंकैटिनेट हो गया, शो आउटपुट में टेबल, कौन सी, ये तो सिर्फ टेबल है ना आपका, बाकी सब कुछ तो HTML में ही है, सिर्फ यूनिक डाटा जो है टेबल का कोड इसमें है, बाकी सारा तो आपने HTML को लिखा ही है ना, ये सारी चीजें। प्रिंट यूजर में सारी चीजें वही हो रही है, बस कंसोल हो रहा है, यहाँ पे वो टेबल में दिखा रहा है। अच्छा जी एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये, लेट यूजर, ये सारी चीज होगी। एक तरीका आपका कंस्ट्रक्टर, लेट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर,
कंस्ट्रक्टर आपका फंक्शन ही होता है, लेकिन अगर आप उसको अपर केस में कैपिटल में लिख दें तो वो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। जैसे आपने एक चीज पढ़ी हुई है न्यू डेट, डेट का डी कैपिटल, तो ये भी आपका एक कंस्ट्रक्टर होता है। और न्यू का मतलब होता है कि एक न्यू चीज क्रिएट करो, उसी तरह न्यू यूजर का मतलब एक न्यू यूजर बनाओ। अब न्यू यूजर में आप क्या क्या पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। अब ऊपर जाके यूजर देखें, यूजर में क्या बन रहा है, फंक्शन यूजर, आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसका क्या मतलब होता है, यही ठीक है, इसका ही फर्स्ट नेम किसके बराबर कर दो, फर्स्ट नेम के, इसका ही लास्ट नेम किसके बराबर, लास्ट नेम, ईमेल, ईमेल के बराबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बराबर। तो ये सारी चीजें आपकी सेम, वही ऑब्जेक्ट आप उस तरह क्रिएट कर ले या फिर इस तरह क्रिएट कर ले, सेम चीज। कंस्ट्रक्टर में बस एक चीज है कि आप प्रोटोटाइप यूज कर सकते हैं। अब प्रोटोटाइप क्या है, अच्छा यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते इस तरह, ऑब्जेक्ट आप इस तरह अगर क्रिएट करते तो यहां पर जाके अब अगर आप मेथड बनाएंगे तो मेथड बनेगा कैलकुलेट एज कोमा और आपका फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेट एज एक आपका फंक्शन, ये आपका मेथड बन गया। इसमें अब आपके पास है जो भी आपने कैलकुलेट करना है, लेट सपोज डेट ऑफ बर्थ रिटर्न करो दिस डॉट डी ओ बी, दिस डॉट डी ओ बी का मतलब इसकी ही डेट ऑफ बर्थ, और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करते तो आप कहते यूजर डॉट डी ओ बी, तो ये तब भी काम करता, लेकिन यूजर लिखने की बजाय जब है ही वो इसकी चीज है तो आप इसको दिस डॉट डी ओ बी कर देंगे। या फिर लेट सपोज आप कहते हैं फुल नेम, फंक्शन रिटर्न करो दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, तो ये आपका स्टोर हो जाएगा फुल नेम। तो ये अब आपका एक मेथड, वैसे आपका बाय डिफॉल्ट ये, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, तो आप इसको दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम करते तो ये काम नहीं करता। फंक्शन के अंदर आपका दिस यूजर है, चेक कर लेते हैं, उम्मीद तो ऐसे ही होगा, ऐसा हो उसको यूज नहीं किया। कंसोल डॉट लॉग क्या आएगा, यूजर, सेव करें और इसको यहाँ से रिटर्न करें। ऑल इनपुट्स हेड यूजर, तो ये देखिए आपके पास फुल नेम आपका इस तरह आ रहा है, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरह लिख दिया। अगर आप ये चीज फंक्शन के अंदर लेकर आए, सेव करें, फिर ऑल इनपुट्स ऐड यूजर, तो आपके पास फुल नेम फंक्शन और फंक्शन के अंदर, अच्छा जी, यूजर डॉट फुल नेम उसको कॉल करें, या कहा गया स्टेफनी वार्स। तो इस तरह फिर आप फंक्शन के अंदर दिस को यूज कर सकते हैं। जी क्लियर है? एज के लिए क्या करेंगे फिर? एज कैलकुलेट, आपको दिस ये डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप फिर उसकी एज को कैलकुलेट करेंगे, मींस के सारा फंक्शन आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब वो फंक्शन जो बना हुआ वो ऊपर बना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरीका था कि आप यहाँ पे कैलकुलेट एज करें सारी चीजें, एक तरीका यह है कि आप
दोनों ही है, आप पे डिपेंड करता है। फंक्शन, यूजर, ये सारी चीजें आ गई। एक तरीका ये भी था कि आप दिस डॉट कैलकुलेट एज इक्वल टू फंक्शन बना देते, पर इस जगह पे फिर आप जाके डीओबी से पहले इसको कर सकते थे। लेकिन ये आपका कोड हर बार, इससे बेहतर है कि यूजर डॉट प्रोटोटाइप, इस यूजर में एक और चीज ऐड कर दो, प्रोटोटाइप कोई प्रॉपर्टी कह ले सिंपल जुबान में, डॉट कैलकुलेट एज, उसका नेम क्या होगा, कैलकुलेट एज, और वो है क्या आपका फंक्शन। लेट डी ओ बी न्यू डेट दिस डॉट डी ओ बी, किसकी डी ओ बी, इस यूजर की, इस यूजर, क्योंकि आप यूजर में यूज कर रहे हैं तो दिस डॉट डी ओ बी में आपको फिर ये यूजर की डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। लेट करंट डेट, अभी की डेट जो भी है, मंथ डिफरेंस करंट डॉट गेट टाइम माइनस डी ओ बी डॉट गेट टाइम, एज ये आपका है डेट फॉर्मेट एज डी टी, डी टी स्टैंड फॉर, चलिए बार न्यू डेट मंथ डिफरेंस, पता नहीं क्या ये फंक्शन उठाए ये जावास्क्रिप्ट से ना, ये कैलकुलेट एज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह की चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है। लेट ईयर एज डी टी डॉट गेट फुल ईयर निकल गया, लेट एज मैथ डॉट ए बी एस ईयर में माइनस क्या कर दो 1970, इस वजह से क्योंकि गेट टाइम जब आप करते हैं आपको 1970 से वैल्यू मिलती है, रिटर्न कर दो एज, तो जो भी एज बनेगी स्टोर किस में हो जाएगी, इस कैलकुलेटेड, और ये कैलकुलेट एज इसका एक हिस्सा बन जाएगा यूजर का, तो यूजर डॉट कैलकुलेट एज करेंगे तो आपको कैलकुलेट एज मिल जाएगी। तो इस तरह अब आपका ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। फुल नेम अली हसन, ईमेल अली डॉट हसन एट gmail.com, डेट ऑफ बर्थ आपकी। अच्छा अब इसमें देखें, आपके पास फ्यूचर की आप डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने किया है कि नहीं किया, तो हमने किया क्या अब तक? ओके जी, ये जो चीज है ये आपकी जावास्क्रिप्ट से हटके HTML में आ जाती है, index.html, फॉर्म आपका, इनपुट टाइप डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये उसकी क्लास, बीजी ट्रांसपेरेंट, डेट ऑफ बर्थ में आप मैक्स एट्रीब्यूट पास करेंगे और आप इसको कह दें, इसका फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट क्या बनता है वो देखते हैं, ईयर मंथ और डेट 2022 डैश, सर वो डिफरेंस आता है जो यहाँ पे शो होता है फ्रंट पे वो हो रहा था, जो पीछे होता है वो हो रहा, मतलब मैंने दोनों अलग अलग देखे क्या, फॉर्मेट मंथ और डेट में आ रहा, जी जी वो हो रहा है, लेकिन मैक्स में आपने इस तरह लिखना है, आपका ये मंथ बनेगा लेट सपोज 11 30, सेव करें, तो ये देखिए अब ये 30 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। अच्छा जी 30/11/2022 तक यही चीज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करें, क्योंकि इसमें तो जो आपने एक बार लिख दिया वो तो हो गया ना आपका, लेकिन हमें तो चाहिए कि आज तक सेलेक्ट कर सके, कल की ना कर सके, तो वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल हो जाएगा।
जी सेट मैक्स टूडे डेट इन डेट ऑफ बर्थ फील्ड। अब ये देखिए, ये चीज आपकी कमेंट में आ रही है और पूरा यूआरएल आ गया, तो आप स्टैक ओवरफ्लो से इस चीज को हमने देखा था और उसको यूज कर लिया और उसका रेफरेंस बता दिया कि इस वेबसाइट से हमने देखा था। लेट टूडे न्यू डेट हो गया डीडी, डेट होगी एमएम मंथ बाय बाय ईयर। अच्छा जी, गेट मंथ आपका, क्योंकि जावा सिंपल एचटीएमएल में देखें हम जनवरी को वन ही करते हैं, ठीक है 01, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जनवरी क्या है 0 है और 11 दिसंबर है, लेकिन एचटीएमएल में 12 दिसंबर है। तो अगर कोई भी वैल्यू उसमें प्लस वन कर दो, 0 है तो 1 हो जाएगा, 11 है तो 12 हो जाएगा। बाय बाय ईयर हो गया, गेट फुल ईयर ईयर हो गया। अगर डीडी 10 से कम है तो डीडी में ऐड क्या कर दो, 0, क्योंकि उसमें 0 ऐड करना था लाजमी। उसी तरह मंथ है, अगर 10 से कम है तो उसमें भी 0 ऐड कर दो। अब टूडे क्या बन रहा है, वाई 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 डैश मंथ डैश डेट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डीओबी, उसको गेट करो, उसमें एक एट्रीब्यूट सेट करो, एट्रीब्यूट क्या है और उसमें टूडे। तो इससे आप आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से वो चीज हो जाएगी। इसमें टुडे कौन सा मैं भी याद रख टुडे टुडे भी ये जो हमारे जो मैं हर लैपटॉप पे टुडे इस टाइम करंट है। तो इतने कोड की मदद से आपकी ये चीजें बननी है, ठीक है। ये आपका शो इमेज, ये इमेज हो गया, शो टेबल देयर इज नॉट अ सिंगल यूजर टेबल, प्रिंट यूजर्स इन कंसोल करें तो उसका भी वो यही एरर दे रहा है। अगर आप इसमें ऐड कर दें फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूजर तो आपके पास यूजर्स आ गए। एक और यूजर को ऐड कर लें, ऐड यूजर, एक और यूजर आ गया, एक और यूजर लगाई तो नहीं है पर लगा सकते हैं। नहीं, जैसे यूजर ऐड हो जाएगा हम इस जगह पे जाके कंडीशन लगा सकते हैं जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, यूजर पुश हो रहा है, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ यूजर डॉट लेंथ जी, अगर यूजर्स की लेंथ लेस देन और बराबर है 100 के, मीन्स के 100 या उससे कम, बल्कि आप इसको कह दें नहीं नहीं हाँ जी वो भी हो सकता है, हम वो चेक कर सकते हैं। अगर 5 से कम है, ठीक है, मीन्स के 5 सिर्फ ऐड हो सकते हैं, अगर 5 से कम है तो फिर यूजर डॉट पुश करो, एल्स में कह दो शो नोटिफिकेशन लिमिट इज नॉट एक्सेसिबल, लिमिट जो मर्जी कह दें फुल, और इसको आप कह दें फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूजर, ऐड 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 हो गया, ये भी ऐड हो गया, अब करेंगे तो आपको लिमिट फुल का बता देगा। वो सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आप इसको लिमिट फुल एरर इसको यहाँ से भी रिटर्न, ये आप क्या कह रहे थे, जी सही किया ना, शो नोटिफिकेशन आपके पास ये शो नोटिफिकेशन, उसमें हम मैसेज भेज रहे हैं और टाइप लेट बीजी कलर, हमने चेक किसको करना है टाइप को, अगर सक्सेस है तो बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और यहाँ से ब्रेक हो जाए, एरर है तो ये आपका एरर, अगर कोई भी सक्सेस भी नहीं है एरर भी नहीं है तो डिफॉल्ट चलेगा, बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाएगा ब्लैक। टोस्टिफाई में मैसेज आ गया, ड्यूरेशन उसकी क्लोज ट्रू ग्रेविटी बॉटम पोजिशन लेफ्ट,
अ स्टॉप ऑन फोकस टू और स्टाइल में बैकग्राउंड कलर उसका बीजी कलर है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और मैसेज चेंज हो रहा है और तो कुछ भी नहीं। और उससे पहले टोस्टिफाई सक्सेस हम अलग बना रहे थे और टोस्टिफाई एरर का हम अलग से बना रहे थे, तो अब आपके पास एक ही मैसेज, एक ही नोटिफिकेशन बस, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है जी। कोई सवाल किसी का? गूगल से एक मसला हमारा, और गूगल से उसका कोड सर्च करना है, वो कहते हैं ये कोड सही वाला मिल गया। हमें लगा आप कह रहे हैं गूगल से हमें मसला आप इसमें लिख सकते हैं लेट सपोज, जिस तरह हमने वो एज को कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ जावास्क्रिप्ट। अब देखें वो खुद से ही हमें सर्च बता रहा है, हमें पहले से इसने सर्च नहीं किया, तो पहले ही आपका स्टैक ओवरफ्लो, ठीक हो गया। इस पे जाएं, क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन आपके रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं तो नीचे जाके आंसर्स में देखें, जो आंसर सबसे ज़्यादा हिट होगा, मीन्स के नंबरिंग इसको दी जाती है, ये यूजफुल है, तो वो फिर आप कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, एक ये भी है, आई वुड गो फॉर रीडेबिलिटी, एक ये है, ये शॉर्ट है आपका मजीद, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये काम 81 है, लेकिन क्या पता हो जाए, एक ये चीज़ है, नहीं वो दो लाइनों का नहीं, उसमें कोड ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह इस चीज़ की समझ नहीं हमें लगेगी। तो जो सबसे ज़्यादा हो, जिस तरह ये 646, ये पढ़ने में भी आसान और समझ भी लग रही है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। सवाल किसी का? ये आपका अच्छा, देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ।